जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। हमारे साथ मेयर हैं, आयुक्त हैं और बहुत सारे नेता पदाधिकारी सारे लोग हैं। आज का यहाँ पे जो कार्यक्रम है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और इस अवसर पे ये रौनक आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर दिख रही है। हमारे साथ मेयर ज्योत्सना असनाले है, क्या कहेंगे इस मौके पर? महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर मीरा भाईंदर शहरवासियों को सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से पहली बार बड़े उत्साह के साथ, जल्लोष के साथ शिव जयंती उत्सव मना रहे और हमारे साथ में हमारे आयुक्त दिलीप ढुले जी, प्रशासन के सभी अधिकारी और प्रशासन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। सभी की तरफ से मीरा भाईंदर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आयुक्त दिलीप ढोले जी। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, हर ऐसे मौके को सेलिब्रेट करते हुए ऐसा लगता है एक माहौल बना देते हैं। आज मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे जो ऑफिसर्स हैं, MBMC ऑफिसर्स हैं या फिर जो है पदाधिकारी हैं, यहाँ के नेतागण हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है आयुक्त दिलीप ढोले जी को। क्या कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर? आज महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी मीरा भाईंदर वासियों को हमारे प्रशासन की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो महाराष्ट्र के आराध्य देवत है, इवन तो पूरे देश के हैं, इसलिए उनका जयंती का त्यौहार मनाना हमारा हम फर्ज समझते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये साल में बन रहे, आज़ादी का भी अमृत महोत्सव है और साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। तो अपने देशवासियों को, अपने शहर में रहने वाले सभी नागरिकों को और छोटे बच्चों को ये लगना चाहिए कि चलो ये महाराष्ट्र को ये खड़ा करने में बहुत सारा छत्रपति का योगदान था, वही प्रेरणा लेके आगे भी अपना देश, अपना स्टेट, अपना राज्य सब बचाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगों तक पहुंचने के लिए ये त्यौहार मनाया गया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनको लोग आइडल मानते हैं। हमारे साथ है प्रशांत दलवी जी। सर, क्या कहेंगे? सर, महाराष्ट्र में आज गर्व है कि इस महाराष्ट्र में हमारे पवन पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का आज हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। हर साल के मुताबिक आज हमने काशीमीरा जो चौक पर जो हमारा अश्वरूढ़ पुतला है वहाँ पर माननीय महापौर मैडम, माननीय आयुक्त के साथ जाकर वहाँ पर मनाया। आज हम इस मीरा भाईंदर के मुख्य कार्यालय में मना रहे हैं। सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये जो देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं पूरा माहौल है और लोग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडियल मानते हैं, उनको पूजते हैं और इस तरह के जो आज के दिन जो है इस तरह के कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्या छोटे क्या बड़े। और कहीं ना कहीं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं और इनका एक अपना इतिहास रहा है, सूरवीर जिसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज सूरवीर। इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है कदम उठाए हैं जिससे जो है मुग़लों से लड़ाई करने में और जो जीत हासिल हुई है, जो आज हमारे देश को, आज जो हम स्वतंत्र हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा योगदान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी है और इसलिए लोग उन्हें पूजते हैं, मानते हैं और इस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं। थैंक यू सो मच।